देखिए यहाँ पे हम आए थे कॉफ़ी स्टॉल पर। एक्चुअली यहाँ पे खाने पीने का भी लगा हुआ था अंदर ही ब्यूटी इंटरनेशनल में ही। तो मेरी फ्रेंड को भूख लग रही थी, उसने कहा चलो कॉफ़ी का रेट पूछते हैं, पहले कॉफ़ी पी लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो हमने कॉफ़ी का यहाँ पर रेट पूछा तो एक कॉफ़ी का जो चार्ज था वो 300 था। इसलिए हमने फिर हमने सोचा कि यार काफ़ी एक्सपेंसिव है, इतना तो इतना मतलब इतना चार्ज तो नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा था। पर मेरी फ्रेंड को लेना था तो उसने ले लिया, फिर उसको पीना था, मैं तो कॉफ़ी पीती नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया, उसने ले लिया। तो हम आगे देख रहे थे और फूड में क्या क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जैसे छोले भटूरे, छोले कुलचे, आपके ये पाव भाजी वगैरह, चाउमीन वगैरह, डोसा वगैरह सब कुछ था यहाँ पर। बट हमने यहाँ पर खाना ज़्यादा बेटर नहीं समझा, मैंने कहा चलो छोड़ो यहाँ से, मेरे को तो भूख है नहीं वैसे भी। तो उसको लग रही थी, उसने कॉफ़ी पीकर उसको लग रहा था उसको कंफर्टेबल हो गया है, तो उसने भी नहीं लिया। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से जब फ्री होंगे तो बाहर जाके कुछ खा लेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। तो हम यहाँ पर आए थे ये बैग वाले स्टॉल पर, तो ये बैग के स्टॉल पर यहाँ पे एक जो बैग था ये मेकअप बैग है, मेकअप बैग एक जो है ये आपको 2500 का पड़ रहा था, जो आप यहाँ से ले सकते हो और यहाँ पे अपना मेकअप्स का जितना भी सामान है वो आप कैरी कर सकते हो। ये ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट ही यूज़ करते हैं ये वाला बैग। तो ये बैग देखिए, ये खोल के दिखाएंगे अब हमको कि किस तरह का बैग है। इसमें पार्टीशन वगैरह सब कुछ डला हुआ था इस बैग में। देखिए आप किस तरह से ये बैग वो खोल रहे हैं, और ये देखिए इसमें ये पार्टिंग वगैरह, इसमें बैग्स वगैरह सब कुछ होते हैं। इसमें आप छोटा छोटा सामान अपने जैसे मेकअप ब्रशेस वगैरह हैं, आपके ग्लिटर्स वगैरह हैं, वो सब आप इसमें डाल सकते हो। पैलेट्स वगैरह आप ऐसे भी रख सकते हो इसमें, इसमें काफ़ी सारा स्पेस होता है तो आप बहुत कुछ इसमें रख सकते हो। 2500 का मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप इसको ले सकते थे यहाँ से, क्योंकि बाहर अगर आप ये लेने जाते हो तो ये कम से कम 5000 का एक पड़ता है। तो अब हम दूसरे वाले स्टॉल पर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है। तो हम आगे जा रहे हैं इस टाइम, देखते हैं वहाँ पर क्या है। हम वहाँ पहुँचने के बाद ही आपको बताएंगे कि हम आगे क्या देखने जा रहे हैं। तो वहाँ एक्चुअली हम देखने लगे थे खाने का, फिर मैंने कहा चलो डमी दिख गई एक बार, डमी का भी हम रेट पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे ये डमी बहुत अच्छी अच्छी थी, एज सिंथेटिक हेयर भी था, ओरिजिनल हेयर भी था, और बहुत अच्छी अच्छी डमी थी। तो ये वाला जो मैंने हाथ में लगा लिया है, ये वाला डमी जो है ये आपका 5000 का था। तो एक डमी आपका सिंथेटिक हेयर का जो था वो 5000 का था। ये वाला जो मेरी फ्रेंड देख रही है ये वाला भी आपका 2500 का है, ये वाला आपका 5000 का। जो मैं देख रही हूँ इसके बाल भी काफ़ी बड़े थे, और ये जो मैंने एंड में इसका जो डमी का रेट पूछा ये बिल्कुल ओरिजिनल हेयर का है, ये कम से कम आपको ये 11000 का पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि चलो चार्ज तो हमने पता कर लिया, कभी लेना होगा तो हम यहाँ से ले लेंगे, इसलिए अभी हमने लेना बेटर नहीं समझा, इसलिए हमने यहाँ से नहीं लिया। मैंने कहा क्योंकि इतना हम अभी हाथ में लेकर नहीं है, चलो हमने कहा चलो आपको चार्ज तो पता चल जाने चाहिए कि यहाँ पर कितने का सामान मिलता है। तो आप जब भी यहाँ पर आए, हर साल ये लगता है यहाँ पर ही इसी जगह पर, ये भैया यहाँ पर लगाते हैं अपना स्टॉल, तो आप आकर यहाँ पर अपना डमी भी ले सकते हो यहाँ से। आप अपना जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं या हेयर स्टाइल है वो यहाँ से आके अपना डमी ले सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल अफोर्डेबल चार्जेस में आपको यहाँ पे डमी मिल जाता है। देखिए ये मेकअप ब्रशेस है, मेकअप ब्रशेस जो है यहाँ पर एक ब्रश जो है आपको छोटे से छोटा भी आपको जो ब्रश है 400 का मिल रहा था यहाँ पे, और बड़े बड़े ब्रश जो है उनके चार्ज अलग थे। तो ये वाले ब्रश मैं पूछ रही थी, ये मैंने छोटा वाला पूछा तो ये आपका 400 का एक ब्रश बताया था उन्होंने मुझे। ये कट क्रीज आइज़ के लिए ब्रश यूज़ किया जाता है, तो मैंने इसलिए पूछ लिया मैं, क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी कट क्रीज आइज़ वाले ब्रश की। तो मेरा ख़त्म हो गया था, मेरा ब्रश ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा चलो नया ले लेती हूँ एक ब्रश। तो मैंने यहाँ से एक ब्रश परचेज़ कर लिया था। तो ये ब्रशेज मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, इनका हेयर बहुत अच्छा था इसीलिए मैंने ले लिया। इसमें सिंथेटिक नहीं था, इसमें बिल्कुल स्मॉट सॉफ्ट ब्रश था ये, तो ये लगने में भी बिल्कुल चुभता नहीं है, ये ब्रश बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ से एक परचेस कर लिया था। तो अब हम ये देखेंगे, मेरी फ्रेंड देख रही है ब्रश, अब वो सोच रही है उसको भी कुछ लेना था, तो उसने भी अपना ब्रशेस वगैरह देखना शुरू कर दिया। अब हम आगे जा रहे थे, तो आगे हम देखते हैं और क्या क्या सामान मिल रहा है यहाँ पर, तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए फैंटेसी मेकअप हो रहा था, लोग यहाँ पे पिक खिंचवा रहे थे फैंटेसी मेकअप की, तो हमने सोचा चलो हम भी खिंचवा लेते हैं यहाँ पर एक पिक। तो यहाँ पे ये भैया फोटो खिंचवा रहे थे अपने, इनके साथ इनका मेकअप हुआ था, देखिए बहुत अच्छा मेकअप हुआ इनका, ये स्नैक्स मेकअप हुआ था इनके फेस पर, हाफ फेस पर। तो मैंने सोचा चलो मैं भी यहाँ पर एक पिक ले लेती हूँ, फिर मेरी फ्रेंड ने कहा मैं भी ले लूँगी यहाँ से, फैंटेसी मेकअप वैसे मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ से एक पिक लेना ज़्यादा बेटर समझा। तो मैंने कहा चलो इनके साथ एक पिक ले लेते हैं। तो अब हम ये फ्री होने वाले हैं तो हम इनके साथ अपना पिक लेते हैं। देखिए मैं आ गई उनके साथ खड़े होने के लिए, और ये मैं अपना पिक ले रही हूँ इनके साथ। ये देखिए
कितना अच्छा मेकअप हुआ हुआ है इनका, देखिए हाफ स्नैक्स हाफ फेस पर पूरा स्नैक्स मेकअप किया है, दूध जो पूरा नीचे बॉडी तक कर रखा है, नीचे फ्रंट तक किया हुआ है पूरा। ये मेरी फ्रेंड ने भी लेना था तो मैंने कहा चलो तुम भी ले लो। मैंने इनका फोटो लिया तो इनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो मैंने कहा मैम प्लीज़ सामने देखिए, देखिए अब ये सामने देख रहे हैं, तो इन्होंने पिक ले लिया था मैंने इनका, तो बहुत अच्छा लग रहा था इनको। और ये भैया पीछे से आके देख रहे हैं कैसा मतलब वीडियो बन रहा है, तो वो भी अपना शूट करवा रहे थे। ये हम यहाँ पे आए थे हम हेयर एक्सटेंशन के स्टॉल पर, तो ये भी एक्सटेंशन जो है एक एक्सटेंशन आपको 400 का मिल रहा था, तो मेरे को हैवी हेयर का एक्सटेंशन लेना था यहाँ पर, तो मैंने इसलिए भैया से पूछा कि भैया हैवी हेयर का एक्सटेंशन है, तो उन्होंने मुझे दिखाया था हैवी हेयर का एक्सटेंशन, बट मुझे कुछ खास लगा नहीं। अब देखिए ये भैया से मैं पूछने वाली हूँ, भैया भी थोड़ा बिजी थे इसलिए मैंने कहा चलो जब तक मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या एक्सटेंशन यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं। यहाँ पे स्ट्रेट एक्सटेंशन भी थे, कर्ल्स एक्सटेंशन भी थे, यहाँ पे बहुत तरह के एक्सटेंशन थे, हाईलाइटिंग वाले भी थे। तो फिर ये भैया को मैंने बोला कि भैया मेरे को एक्सटेंशन दिखाओ जो हैवी हेयर का हो, क्योंकि मेरे को अपने बालों के लिए हैवी हेयर चाहिए, मेरा वैसे ही शॉर्ट हेयर है, तो कहीं शादी पार्टी पे पहनने के लिए थोड़ा सा हैवी एक्सटेंशन ही बेटर रहता है, इसलिए मैंने अपना पर्सनल यूज़ करने के लिए एक हैवी एक्सटेंशन लेना था। तो मैंने कहा चलो मैं भैया से पूछ लेती हूँ, तो भैया ने उनको बोल दिया, अपने जो उनके जो कारीगर हैं उनको बोल दिया, तो वो भैया मेरे को दिखा रहे, देखे भैया खोल रहे हैं मेरे लिए हैवी एक्सटेंशन निकाल रहे हैं, तो अभी भैया दिखाएंगे, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी भैया दिखाएंगे तो देखती हूँ कौन सा, अगर अच्छा है तो लूँगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो नहीं लूँगी। मेरी फ्रेंड भी देख रही थी, उसने कहा चलो हम भी देख लेते हैं। ये भैया ने एक्सटेंशन खोला, देखिए मेरे को दिखाया भैया ने, बट हाँ बाल बहुत अच्छा था इसका, बट मुझे कुछ खास लगा नहीं था इसका एक्सटेंशन। मैंने कहा छोड़ो, मेरे को ना इतना हैवी नहीं लगा, मेरे को बहुत हैवी चाहिए था क्योंकि मेरा बाल ना थोड़ा हल्का है, तो मेरे को थोड़ा हैवी एक्सटेंशन ही चाहिए था अपने बालों के लिए। तो मैं फिर आगे चल पड़ी, मैंने कहा चलो आगे देख लेते हैं और क्या क्या सामान मिल रहा है यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, काफ़ी भीड़ थी आज यहाँ पर, क्राउड बहुत था यहाँ पर, सारे मेकअप आर्टिस्ट और वो सब आए हुए थे। ये देखिए यहाँ पर फ्लावर्स मिल रहे थे छोटे छोटे, और ये फ्लावर्स का एक वॉच जो है आपका एक जो है ये 50 रुपीज़ का था जो मैंने हाथ में लिया, ये 50 रुपीज़ का एक था, और इसमें छोटे कलियों वाले फ्लावर्स भी मिल रहे थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी, वो मैं अभी हाथ में लूँगी। वो एक फ्लावर्स जो है आपको 30, ये सारे जो हैं ये वाले फ्लावर्स जो हैं ये आपको 50 रुपीज़ ईच थे, और ये हाँ ये भी वाला ये जो पिंक वाला ये भी 50 रुपीज़ का था, देखिए कितना प्यारा फ्लावर्स था। और ये मैंने जो हाथ में लिया है कली वाला, ये आपको 30 रुपीज़ ईच का एक मिल रहा था, ये आपको कली वाला फ्लावर्स है, गोल्डन कलर का देखा था, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, मल्टी कलर्स थे सारे, इसमें आके आप कोई भी फ्लावर्स ले सकते हो। इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज एक्सटेंशंस आपको स्टोन एक्सेसरीज आपको हर तरह के एक्सेसरीज यहाँ पर मिल जाएंगी। आप जब भी यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे आप भी यहाँ पे देख सकते हैं अपना एक्सटेंशंस वगैरह। तो बट मेरे को अभी नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी काफ़ी सामान था, मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेरे पास बहुत सामान था। ये मेरी फ्रेंड ले रही थी आई मैजिक का आईलैशेस, तो मैंने कहा ठीक है तुम ले लो, तुम्हें लेना है तो, बट मेरे पास तो ऑलरेडी था तो इसलिए मेरे को नहीं लेना था, मैं पहले ही परचेज कर चुकी थी ये सब सामान, तो इसलिए मैंने नहीं लिया यहाँ से। तो मेरी फ्रेंड ने ये पूछा, तो ये एक आई मैजिक का जो था ये आपको 300 का चार्ज कर रहे थे, इसमें जितने भी थे 300 के थे, और ये जो सिल्वर वाले पैकिंग थे ये पड़े हैं, ये मैं मैम से पूछ रही हूँ कि मैम ये कितने का है, तो ये वाला जो था 600 का था, ये 6G का था, तो और ये वाला जो है ये भी आपका ऐसे ही था, तो इसलिए मैंने तो कुछ लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान था। मैंने कहा चलो पूछ लेती हूँ आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो आके। तो मैम देखो ये मेरे को बता रही थी कि ये आपको 600 का पड़ेगा, आपको अगर आप ज़्यादा लेते हो आपको तो यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा वाला आपको यहाँ पे। तो मैंने इसे सारे देख लिए थे बट मेरे को तो नहीं लेना था, तो मेरी फ्रेंड भी देख रही थी, उसको कुछ खास उसको भी नहीं लगा, उसने आई मैजिक का ले लिया था। लेकिन ये देखिए यहाँ पे परांदी वगैरह भी लगी हुई थी ये हेयर में लगाने के लिए, ये एक परांदी जो है आपकी 600 की थी यहाँ पर, ये बहुत अच्छी अच्छी परांदी हैं सारी की, मतलब कलरफुल परांदी थी आपकी, गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, ब्लू कलर की, आपके यहाँ पे गोल्डन सिल्वर आपको सबसे ज़्यादा पैटर्न मिलेगा यहाँ पर परांदी का, लेकिन परांदी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। आप कोई भी मेकअप करते हो उसमें आप ये परांदी लगाते हो तो आपका लुक एकदम बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये स्प्रे वगैरह मिल रहे थे, हेयर वॉश वगैरह मिल रहे थे, तो मेरे को हाइड्रा स्प्रे लेना था यहाँ से, बट यहाँ पे हाइड्रा स्प्रे था नहीं, और वो था तो कुछ खास नहीं मेरे को लगा जो मेरे को लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं लिया इस चक्कर में क्योंकि मेरे को जो लेना था वो वाला नहीं था यहाँ पर। लेकिन एक हेयर वॉश यहाँ पर जो है ये आपको 300 का चार्ज कर रहे थे, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया, इसलिए मैं फिर आगे चली गई।
ये देखिए ये वाला हेयर स्प्रे है, ये हीट प्रोटेक्टर था, हीट प्रोटेक्टर था, ये हेयर स्प्रे नहीं था, ये हीट प्रोटेक्टर था। तो मैंने यहाँ से नहीं लिया ये, और ये हेयर वॉश समझ के ले देख रही थी मैं, ये था हेयर वॉश का, हेयर फेस वॉश वगैरह जो था ये वाला था, मैंने फेस वॉश ये नहीं लिया था। फिर मैं आगे चली गई क्योंकि मेरे को जो लेना था वो वाला यहाँ पे नहीं था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो हम दूसरा लेते, क्योंकि मेरे फेस के अकॉर्डिंगली ये वाला मुझे नहीं जाता था। ये स्किन ब्राइटनिंग का ही और अच्छा था ये, लेकिन और सबके लिए सही है, अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये भी अच्छा वाला हेयर ये फेस वॉश था। तो सॉरी मैं बोलने में थोड़ा सा वो हो रही हूँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं थोड़ा हो ही जाता है गलती, कंफ्यूज हो ही जाता है बंदा बात करने में। तो ये ग्लिटर्स वगैरह मिल रहे थे यहाँ पर, हेयर ग्लिटर भी था, ये जो जेल ग्लिटर ये जो आगे रखे हैं ये जेल ग्लिटर थे, और ये वाले आपके लूज ग्लिटर थे सारे। मेरे को लेना था पिगमेंट प्ले लेकिन यहाँ पर नहीं था, तो ये सारे लूज ग्लिटर थे। जो एक एक ग्लिटर था ये आपको जो ये चार्ज कर रहे थे वो आपको ये 300 का चार्ज 400 का चार्ज कर रहे थे, तो मैंने तो यहाँ से नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ग्लिटर थे। मैंने कहा चलो आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे एक ग्लिटर कितने का पड़ेगा, तो ये सारे ग्लिटर जो हैं ये आपको 400 के मिल रहे थे। और यहाँ पे देखिए सारे मल्टी ग्लिटर्स हैं, गोल्डन है, सिल्वर है, आपका ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, यहाँ पे आपको ये मस्टर्ड कलर का बहुत सारे मिल जाएंगे, और चंक्स ग्लिटर वगैरह भी थे इनके पास। तो मैं अपने हाथों पे स्क्वैश करके दिखा रही थी, देख रही थी कि कौन कौन सा कैसा कैसा सामान है। ये तो क्लाइंट का हाथ, ये तो कोई उनके क्लाइंट से उनको वो देख रही थी, तो मैं अभी आपको अपने हाथ पे भी दिखाऊंगी करके। तो ये मेरी फ्रेंड भी देख रही थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं एकदम यहाँ पर कैसा वाला ग्लिटर मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे थे इस ग्लिटर को, तो देखिए अब मैं अपना हाथ दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से। ये देखिए मैंने सारा अपने हाथ पर स्क्वैश करके देखा, ये मैंने ग्लिटर वो वाला देखा है, एक जेल ग्लिटर था वो देखा था, ये सारे हम यहाँ पे हम दूसरे स्टॉल पे आप आ गए थे, वहाँ से तो हमने कुछ लिया नहीं था, यहाँ मांग रहे थे ये मेहंदी स्टॉल पर जहाँ पर ये मेहंदी के एक्सटेंशंस मिल रहे थे सारे, बहुत अच्छे अच्छे एक्सटेंशन थे यहाँ पर, गॉड के एक्सटेंशन थे, डॉली पैटर्न था, यहाँ पे आपको हर तरह के पैटर्न वगैरह मिल रहे थे। तो ये एक पैटर्न जो है आपको 200 का दे रहे थे, एक एक्सटेंशन जो है आपको 200 का ही दे रहे थे। तो मैंने इनका कार्ड ले लिया था, मैंने कहा चलो आगे के लिए ले लेंगे, अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो अगले साल, क्योंकि इस साल का तो ये हो गया अभी, क्योंकि 3 और 4 को ही लगता है ये सिर्फ, और ये मैडम जो है यहाँ पे ही लगाती हैं सिर्फ, तो ये हमेशा यहाँ पे लगती है, बाहर से आते हैं ये लोग, तो ये अपने सारे यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह जो हैं ये यहाँ पे सेल आउट करते हैं। देखिए ये मैं सारे आपको खोल खोल के दिखा रही हूँ कौन कौन से एक्सटेंशन हैं यहाँ पे। एक मेरे को एक्सटेंशन यहाँ पे बहुत पसंद आया था, तो मैंने मैम को कहा कि मैम वो वाला एक्सटेंशन एक मिनट आप निकाल के दिखाइए, तो ये उन्होंने एक मेरे को करवा चौथ पैटर्न का दिखाया था, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि मेरे हाथों पे लगाइए, मैंने कहा चलो तुम लगा के देख लो, तो उन्होंने लगाया बट उनसे लगा नहीं क्योंकि वो अभी शायद नए थे, उनको पता नहीं है कि कैसे लगता है, तो उनके लगाया बट हाँ ठीक है अच्छा था फ्रेंड एक्सटेंशन, तो उन्होंने नीचे लगा दिया तो वो भी अच्छा था, लेकिन लगा हुआ अच्छा था, जो लगाना जानता है वो तो अच्छे से लगा ही लेगा इसको। बाकी मेरे को जो पसंद आया था, मेरे को ये स्क्वायर वाला पसंद आया था, तो मैंने मैम को बोला मैम मेरे को ये स्क्वायर वाला दिखाइए, तो ये वाला देखिए मैम ने मेरे को खोल के दिखाया, मैंने मैम को बोला कि मैम ये एक बार ही लगा के दिखाइए, मैम ने मेरे हाथों पे लगा के भी दिखाया था मुझे, अच्छा था बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को लगा कि इतना यूज़फुल नहीं है ये अभी ये वाला, क्योंकि मैं मेहंदी तो पहले से ही जानती हूँ, सब कुछ करना जानती हूँ मैं तो, इसलिए